अब तो दुनिया भर में दिखेगा शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत पर लगेगा किंग खान की फिल्म का ट्रेलर। जी हाँ, शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म पठान की रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किंग खान लगभग 4 साल के बाद पठान के साथ फिल्म में वापसी कर रहे हैं। फिल्म में वो रोमांस करते नहीं बल्कि इस बार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। बताया जाता है कि पठान अब तक की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है और जिसमें कि जॉन शाहरुख का पहली बार सिनेमाघरों में आमना सामना होगा। और अभी इसी फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट फैंस के लिए सामने आ रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ था। फिल्म के ट्रेलर ने खूब धमाल मचाया है, लोग इसके बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। ऐसे में खबर है कि पठान के ट्रेलर को दुबई में बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर दिखाया जाएगा। और तो और, पठान फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि शाहरुख खान बुर्ज खलीफा पर अपनी फिल्म का ट्रेलर चलते हुए लाइव देखेंगे। जी हाँ, वो इन दिनों दुबई में ही है। यहाँ वो T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए गए हुए थे। और जैसा कि दुनिया भर के लोग किंग खान के स्टारडम से अच्छे खासे वाकिफ होंगे, और इसी को लेकर कहा जाता है कि शाहरुख खान की दुबई में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और इसीलिए दुबई किंग खान की इस फिल्म को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेगा। और ख्याल, गाने रिलीज हुए हैं। सबसे पहले फिल्म का गाना बेशवा था। इसमें दीपिका पादुकोण के ड्रेस पर काफी सवाल उठाया गया था और बताया गया कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म में भगवा रंग को बेशरम रंग बताया। और इसके बाद से गाने पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। फिल्म को दोबारा से सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। और अब इसके बाद सारा मामला क्लियर हो गया है। किंग खान तो 25 जनवरी को धमाकेदार ओपनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी को लेकर फैंस का भी कहना है कि किंग खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में हैं। इसके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकार भी मौजूद हैं। खैर दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर पठान के ट्रेलर को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।